हेलो फ्रेंड्स, पार्ट टू है एंटी कैंसर ड्रग्स का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट और एंटी कैंसर ड्रग विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कोई भी ड्रग आती है, सभी में हमें यही मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है हमारा प्यूरीन सिंथेसिस एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस से बनता है हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, प्रोटीन टू एंजाइम, प्रोटीन टू एंजाइम एंड माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो जो भी हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो इन पाथवेज को इनहिबिट करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेंगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 6-मरकैप्टोप्यूरिन एंड 6-थायोग्वानिन। 6-मरकैप्टोप्यूरिन, 6-थायोग्वानिन, यदि कहीं पे आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इस पाथवे को ब्लॉक कर रही है, इनहिबिट कर रही है। तो 6-मरकैप्टोप्यूरिन एंड 6-थायोप्यूरिन क्या करती है, इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस। प्यूरिन सिंथेसिस को रोकेगी, प्यूरिन सिंथेसिस नहीं होगी तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे और उससे जो आगे सेल की ग्रोथ है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। एंड दे ऑल्सो इनहिबिट न्यूक्लियोटाइड इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट क्या करेगी, डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी फ्रॉम थायमिडीन से, डीटीएमपी से डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। तो मीथोट्रेक्सेट कम्पिटेटिवली वर्ड यूज होता है जब ड्रग और एंटागोनिस्ट दोनों एक ही रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, तो उनमें कंपटीशन होता है बाइंड होने के लिए, तो वो होगा हमारा कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिवली इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम एंड ऑल्सो इनहिबिट थाइमोडाइलेट एंड प्यूरिन सिंथेसिस। प्यूरिन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रही है, थाइमिडीन से जो डीएनए बन रहा है उसको भी इनहिबिट कर रही है, डायरेक्ट डीएनए सिंथेसिस को भी इनहिबिट करेगी। नेक्स्ट आते हैं हमारी साइटराबिन, फ्लुडराबिन एंड जेमसीटाबिन। ये क्या करती हैं, डायरेक्ट डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। एल एस्पेराजिनेज, एल एस्पेराजिनेज क्या है, एंजाइम है जो क्या करेगा, डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो एल एस्पेराजिनेज डीएमिनेट एस्पेराजिन एंड इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए। एंड इमैटिनिब इनहिबिट द प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करेगी हमारी ये वाली ड्रग्स। नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करेगी, राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी बाय इनहिबिटिंग राइबोन्यूक्लियोटाइडेज रिडक्टेज एंजाइम। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। नेक्स्ट ड्रग इम्पोर्टेंट ड्रग है ये हमारी 5-फ्लोरोयूरासिल। 5-फ्लोरोयूरासिल भी क्या करती है, हमारी थायमिडीन जो सिंथेसिस है या डीटीएमपी सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है। एल्काइलेटिंग एजेंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है, तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगी। अभी मैं इतना ही बता रही हूँ कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट है वो क्या करती है, डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। विनका एल्कलॉइड एंड टैक्सिन, ये क्या करती है, हमारी सदाबहार का जो हम के पेड़ बोलते हैं वो है हमारा विनका एल्कलॉइड, ते इनहिबिट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनकी सिंथेसिस को या उनकी फंक्शनिंग को ब्लॉक करेंगे। एल्काइलेटिंग एजेंट रिएक्ट विथ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है जहाँ पे हमारी डीएनए आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो वो साइट है हमारी जहाँ पे हमारी डीएनए आरएनए प्रोटीन इनकी सिंथेसिस होगी। तो एल्काइलेटिंग एजेंट रिएक्ट विद न्यूक्लिक एसिड एंड इंटरफेयर विद सेल रेप्लिकेशन एंड इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। मेन जो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट है न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलके डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। नेक्स्ट एल्काइलेटिंग एजेंट है उनका साइटोटॉक्सिक एक्शन होगा, साइटोटॉक्सिक एक्शन होगा एंड डैमेज द न्यूक्लियाई ऑफ ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग सेल्स। जो सेल की मल्टीप्लीकेशन यानी ग्रोथ हो रही है उसको भी ये इनहिबिट करती हैं। एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी एक्ट करेंगी एल्काइलेटिंग एजेंट।
रेडियो माइमेटिक एक्शन भी शो करेंगी एंड एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करेंगी। एल्काइलेटिंग, इसमें मेन क्या होता है, एल्काइलेशन होता है डीएनए का। एल्काइलेशन ऑफ डीएनए विद इन न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द मेजर इंट्रैक्शन। जो एल्काइलेशन होगा जितना ज़्यादा उतनी ही सेल की डेथ ज़्यादा होगी और उससे जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट होगा। एल्काइलेटिंग एजेंट की मेन प्रॉपर्टी होती है कि वो एल्काइल रेडिकल को ट्रांसफ़र करती हैं सूटेबल रिसेप्टर साइट पे। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। साइड इफेक्ट क्या होंगे, मेजर साइड इफेक्ट है हमारा हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। हीमोरेजिक सिस्टाइटिस है जिसके लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं क्लोरफॉस्फामाइड एंड ईफॉस्फामाइड। ये दोनों ड्रग्स क्या करेंगी, इसमें ये जो दोनों ड्रग हैं इनका मेन साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट इन दोनों ड्रग्स का है हीमोराइजिक सिस्टाइटिस। इसमें जो मेटाबोलाइट होता है एक्रोलीन, ये मेटाबोलाइट एक्रोलीन इस डिजीज़ को प्रोड्यूस कर। अदर एडवर्स इफेक्ट में नोजिया आपको पता ही है, जो वोमिटिंग से पहले वाले स्टेज है, जी मचलाना, वोमिटिंग, बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो जहाँ पे आरबीसी की सिंथेसिस होती है, एंड साइटोफॉस्फामाइड जो ड्रग है हमारी वो टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक है जो फीटस यानी जो बेबी है मदर के अंदर उस पर क्या इफेक्ट शो करेगी, उसके लिए हार्मफुल होगी। एलोपीशिया मतलब होता है हेयर लॉस होना, गंजापन। एंड ई फॉस्फामाइड्स हैं, ये क्या करती है साइक्लोफॉस्फामाइड के कंपेरिजन में इसमें जो एलोपीसिया है वो कम होगा। एंड यूज़ क्या होंगे इनके, जो हमारी क्लोरफॉस्फामाइड है उसे हम यूज़ करते हैं हॉडजकिन डिजीज में, ब्रेस्ट कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा एंड ल्यूकोमास। बट क्लोरम ब्यूसॉल को हम नॉन हॉडजकिन डिजीज के लिए भी यूज़ करेंगे। एंड ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ल्यूकोमियाज, जो ब्लड कैंसर है उसके लिए फर्स्ट चॉइस ड्रग होगी हमारी क्लोरम ब्यूसॉल। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लोरफॉस्फामाइड और ईफॉस्फामाइड का मेन साइड इफेक्ट था हीमोराइजिक सिस्टाइटिस। तो इसके लिए जो मेसना है, मेसना ये साइड इफेक्ट आ रहा था एक्रोलिन की वजह से, मेटाबोलाइट की वजह से, तो जो मेसना है वो इस मेटाबोलाइट के साथ रिएक्ट करेगी इन यूरिनरी ट्रैक्ट और इस साइड इफेक्ट से प्रिवेंट करेगी। मेलफ्लान मेनली यूज़ करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबोलाइट्स हैं हमारे जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है उनको इनहिबिट करेंगे, उनको कॉल करेंगे हम एंटी मेटाबोलाइट्स। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है हमारी मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट क्या है, हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम न्यूप्लास्टिक ड्रग। इट इज़ एक्ट एज ए एंटी मेटाबोलाइट की तरह एक्ट करती है हमारी मीथोट्रेक्सेट और मेन फॉलिक एसिड पे एक्ट करेगी। जो फॉलिक एसिड है डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज एंजाइम जो कि फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करता है उसको इनहिबिट करेगी। इट इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड इनटू टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। मेन हमें प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए चाहिए टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, तो मीथोट्रेक्सेट इस टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देगी, इससे इनडायरेक्टली प्यूरिन की सिंथेसिस है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ मीथोट्रेक्सेट। आपको ज़्यादा याद करने तो आप किसी बुक को रेफ़र कर सकते हैं, मैंने सिलेक्टेड सभी का कॉमन लिया है कि कोई भी ड्रग आ जाए उनमें आपको ये साइड इफ़ेक्ट उसमें इंक्लूड करने ही करने हैं। तो इसमें आते हैं हमारे कॉमन में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, बोन मैरो डिप्रेशन एक्सेट्रा। और मेन जो यूज़ होता है मीथोट्रेक्सेट का वो होता है ब्लड कैंसर के लिए, ल्यूकेमियाज के लिए यूज़ करेंगे। फ्लोरोयूरासिल ड्रग है, फ्लोरोयूरासिल मतलब इसमें फ्लोरिनेट फ्लोरिन ग्रुप होगा, तो फ्लोरिनेटेड एनालॉग ऑफ पायरिमिडीन। फ्लोरोयूरासिल है वो थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगी जिसकी वजह से जो बेसिक कंपोनेंट है थायमिन डीएनए थायमिन उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो मेन यूज़ होता है हमारा फ्लोरोयूरासिल का ब्रेस्ट कैंसर के लिए, यूरिनरी ब्लडर कैंसर के लिए, ओवेरियन कैंसर एंड कॉलोन एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, जिससे कि टाइम टू टाइम मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और मेरे को भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।